हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ पल ब्लॉग। और यहाँ पर हो रही है इनके भात की रसम। घर पर बनाया जा रहा है भात और मम्मी जी के जितने भी भाई वगैरह हैं वो लेकर आए हैं भात। और यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रखी है, देखने आते ही हैं कि भात में क्या क्या चीज़ें आई हैं। और भातियों का किया जाता है स्वागत। भात की रसम हो जाने के बाद सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं हल्दी की रस्म के लिए। यहाँ किया जा रहा है हल्दी का उबटन हमारे सैया जी को। गाइस, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। जिस टाइम मेरी हल्दी होने वाली थी तो सेम डे मेरा था एग्ज़ाम और मैं एग्ज़ाम देने गई थी अपना। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम दे के आई और सबने बोला कि हल्दी की रस्म होनी है। मैंने क्या किया, पानी में हल्की सी हल्दी डाली, ग्लास में डाला और फटाफट से डाल के मैं चली गई एग्ज़ाम देने। वहाँ से आई मैं तीन घंटे का तो एग्ज़ाम था ही, 4 घंटे में कम से कम आ पाई थी मैं। और उसके बाद डायरेक्ट भात वगैरह की रस्म हुई। वो था मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम प्राइमरी लेवल, और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। गाइज, जब भी आपको लगे ना आपकी लाइफ आपको मौका दे रही है तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, वेडिंग हर एक इंसान की लाइफ का एक सपना होता है। सपना इन द सेंस हम ऐसे कहेंगे कि वो होना ही है आपकी लाइफ में। और गाइज, उस कंडीशन में भी आपको ये सोचना पड़ता है कि अब आप क्या करें, तो आप उस टाइम सिर्फ अपने मन की सुनिए, क्योंकि आपका ब्रेन और मन दोनों मिलकर जो आपको डिसीजन देंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो जब भी आप दुविधा में हो तो मेरी तरह अपनी इनसाइट को सुनिए और उसके तहत निर्णय लीजिए कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी कभी किसी चीज़ का मेरे सर पे प्रेशर नहीं रहा है कि तुझे ये करना ही है, जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर। हमेशा ऐसा रहा है मेरी लाइफ में। और गाइज, यहाँ हो रही है सूत काटने की रस्म। यहाँ गले में इसको डाला जाएगा। पहले पता नहीं कुछ कुछ बोलते रहते हैं, गाने वाने गाते रहते हैं लेडीज़ जो होती हैं, और उसके बाद जो घर की बड़ी होती हैं वो उसको टाई कर देती हैं और बाद में वो गले में डाल दिया जाता है। ये रस्म क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये तो कोई बड़ा जना ही बता सकता है। आप में से भी किसी को पता हो तो हम सबकी नॉलेज के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमें बताने की कोशिश करें कि ये क्यों किया जाता है। मेरी शादी वाले दिन तो मैं बहुत हैक्टिक शेड्यूल था, मुझे याद है मैं कुछ खा भी नहीं पाई थी। सुबह से सब लोग आ रहे थे, चाय के साथ मट्ठी वगैरह मैंने एक ले ली हो, और पूरा दिन शाम के 4 बजे तक मैं ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए ही रही थी। मुझे याद है बस थोड़ा एक तो माइंड में रहता है ना, मैं पढ़ी नहीं थी उस टाइम, मैं पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि बहुत काम था। लेकिन ऐसा नहीं है मैं कि पढ़ती नहीं थी, बहुत टाइम पहले से मैं कुछ कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरी ऑलरेडी उस टाइम पे तैयारी थी, बस एग्ज़ाम में बैठना ही था। रिवीजन नहीं होता है ऐसे टाइम में जब आपके घर में कोई प्रिपरेशन इस टाइप की हो रही हो, शादी हो या त्यौहार हो। और मोस्टली मेरे साथ ऐसा रहा है, चाहे भाई की शादी रही हो या मेरी खुद की शादी रही हो, एग्ज़ाम मेरे सर पर आ जाते हैं। मेरे बड़े भाई की शादी भी मैंने अपने MSc के एग्ज़ाम के टाइम पर ही दी थी। घर में ढोलक बजती रहती थी और मैं एक साइड में कोने में पढ़कर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करती रहती थी। उस टाइम मुझे बड़ा ही बेकार फील हो रहा होता था कि यार ये भी क्या है लाइफ, कि आपके घर की सबसे पहली शादी है और उसमें भी आपको कोने में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम होना है। गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे AG मन मन मुस्करा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम विंटर टाइम होता है। मुझे भी याद है कि जिस टाइम मेरे ऊपर वो ठंडा ठंडा पानी गिरा था, तो बाय गॉड बहुत चिल्ड पानी होता है ये नवंबर के टाइम में। गाइज, अब हो गया चलने का टाइम, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।